हेलो गाइस, आज फ्लैशलेस टीवी आया हुआ है सीएसडी पे शाहरुख फैसल, और यहाँ पे है सबकी नींदें उड़ा देने वाली टर्किश स्टाइल मर्ड कॉफ़ी, जो कि ऑथेंटिक तरीके से बनी हुई है। तो चले आए देखते हैं कि इसकी क्या किस तरह प्रिपरेशन होती है। चलें पूछते हैं भाई से इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सुफियान नाम है। सुफियान फ्रॉम पीएमसी। ओके सुफियान भाई, नाइस टू मीट यू। वेल सुफियान भाई, ये आपका जो टर्किश मर्ड कॉफ़ी का जो आइडिया है वो बेसिकली क्या सोच के मतलब आपने आया है? वैसे तो कॉफ़ी जो है वो बहुत तरह की बनती है, जैसे इंटरनेशनल तरीके जो अलग होती हैं वो जो कॉफ़ी मिक्सर वगैरह से बनाते हैं, तो इसकी क्या लॉजिक ये ज़रा बताएं व्यूअर्स को। सर बेसिकली हम इसको जो है पिछली विंटर्स से फॉलोअप कर रहे थे कि भाई हमने इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर लेकर आनी है जो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो हम इसको लास्ट विंटर से फॉलोअप करते हुए, हम इन चीज़ों को गैदर करते हुए, इस प्रोडक्ट्स को गैदर करते हुए, बेसिकली ये जिज्वेज हैं, ओरिजिनल टर्किश सॉसर्स हैं जिसके अंदर पूरी कॉफ़ी हमारी बनती है, रेडी करते हैं हम लोग ना। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करते हुए उस आइडिया को, अच्छा हमने फिर शुरू में स्टार्ट किया टर्किश कॉफ़ी जो पानी के अंदर ब्लैक कॉफ़ी जिसे हम कहते हैं ना। अच्छा। तो हमारे कस्टमर्स ने वो लाइक नहीं की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट होता है कॉफ़ी का उसके अंदर। हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा सा स्वीट टेस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं कॉफ़ी के अंदर। अच्छा, तो ये सॉरी, ये ऑथेंटिक तरीका है टर्किश कॉफ़ी, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग कॉफ़ी है टर्की का। और जैसी ये देखिए रेडी होती है तो ये ऊपर बॉयल करके टॉप पे आ जाती है। ठीक। अच्छा, ये जो प्यारे बहने जो वो हैं क्रॉकरी टाइप का, जो ये क्या है, मतलब मेटल है ये क्या है? ये प्योर कॉपर होते हैं जिसको जिज्वे कहते हैं टर्किश लैंग्वेज में, उनको जिज्वेज कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या नाम है, तो ये कितना टाइम लगेगा इसकी प्रिपरेशन, क्योंकि आप सैंड यूज कर रहे हैं? ऑलमोस्ट रनिंग टाइम जब होता है हमारा, जब पीक टाइम होता है उस पर 3 मिनट्स, और जैसे एक फ्रेश स्टार्ट है हमारा, स्टार्टिंग है, तो 5 मिनट्स के अंदर लगते हैं अगर हमारा मिल्क प्री हीटेड है। अच्छा हाँ, बाय द वे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि फ्लेवर्स जो है आप कौन कौन से यूज कर रहे हैं, मतलब भाई क्या प्रोवाइड कर? हमारे पास एक आता है क्रीमी चॉकलेट, एक आता है कैपेचिनो, और हॉट ड्रिंक्स में हमारे पास आता है हॉट चॉकलेट। ये तीनों वो फ्लेवर्स हैं जो हमारे सिग्नेचर हैं। सिग्नेचर। इसके अलावा हमारे फ्लेवर्स हैं कैरमलानो, क्रीमी चॉकलेट, कैरमलानो, टीएमसी चॉकलेट, कार्डेमन, और मट कॉफी जो हमारी बेसिक है। अच्छा। ये सारे फ्लेवर्स के बाद आते हैं। दैट्स ग्रेट। अभी देखिए कस्टमर की जो मैं रेडी कर रहा हूँ ये क्रीमी चॉकलेट और कैप्सूल रेडी कर रहा हूँ, इसकी टॉपिंग यहाँ हो रही है। ये क्रीमी चॉकलेट आ गई हमारी, और ये हमारी कैपेचिनो आ गई, ये दोनों रेडी सर्व करने के लिए कस्टमर को। ठीक है ठीक है गाइस, तो ये इनकी प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं ये स्प्रिंकल किया हुआ एक तरीके से एक तरफ, और सेकंड कप में हर्शीज का है, हर्शीज ही बिल्कुल। अच्छा, इसका नीचे का बेस जो आता है कॉफी का फ्लेवरिंग के अंदर मोका टच के ऊपर होता है, टॉप कैपेचिनो फिर टॉप चॉकलेट, और इसके अंदर जो है वो कैपेचिनो, नीचे कॉफी हमारी मट कॉफी, और फिर टॉप कैपेचिनो, और फिर टॉप स्प्रिंकल विद रॉ कॉफी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो आप ये कॉफी मशीन से ज्यादा अच्छी, मतलब अगर सर आई रिकमेंड कि आप आके इसको टेस्ट करें, क्योंकि देखें एक पुराना तरीका है कॉपर के बर्तनों में चीज़ें बनाना जिसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, प्लस जिस तरह जिस प्रोसेस से बन के जा रही है इतनी स्लो हीट के ऊपर, उसमें प्रॉपर आपको फ्लेवरिंग आती है कॉफ़ी की, और तो लो बर्निंग नहीं होती हमारे जो उसके विटामिन वगैरह। एग्जैक्टली गाइस, तो फिर आपको पता है ट्रेडिशनल तरीके से जो बनती जो चीज़ आएगी ऐसी, फिर ऑटोमन एम्पायर के दौर की भी ये होगी कॉफ़ी, क्योंकि ये तरीका मैंने पहली बार देखा, टू बी रियली ऑनेस्ट मैंने पहली बार देखा। अच्छा, आप ये बताएं कोई टर्किश नेटिव फ्लेवर भी आपके पास है या? बेसिकली हमारे पास ब्लैक कॉफी जो होती है, जो ओरिजिनल टर्किश कॉफी होती है, वो मेहमत अफेंदी होती है, जो हम पानी के साथ सर्व करते हैं, वार्म वाटर के साथ सर्व करते हैं, और वो एक स्पेशल कस्टमर है हमारे। यही वजह है, मतलब जो खुद स्पेशल कस्टमर, जो कुछ खास लोग हैं उन्हीं को वो पसंद है, वरना लोगों को बहुत बेटर लगता है। ठीक है गाइस, तो ये प्रॉपर इसका तरीका था, हमने आपको ए टू जेड मेकिंग के साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखा दी। सो कमिंग बैक टू यू विद द रिव्यू। मैं आता हूं। ओके गाइस, तो फाइनली जो कॉफ़ी थी वो हमारी हमारे पास आ गई है, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसको ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैंने जो इसकी जो मेकिंग देखी थी वो जो ऑथेंटिक टर्किश स्टाइल थी मुझे तो बहुत पसंद आई, सही है। तो अब मैं तो उसके लिए बहुत रेडी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये हमारे पास जो फ्लेवर है वो है क्रीमी कॉफ़ी, ठीक है, और ये जो फ्लेवर है वो है कैपेचिनो। सो चलते हैं ट्राई करते हैं कि क्या रिव्यू है उसका। जैसे भी वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, लेकिन लेट्स सी, ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, गर्म गर्म कॉफ़ी में पी रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस, इसमें जो अरोमा है ना इसका,
वो जो है वो बहुत बिटर टाइप का है, ठीक है। और इसमें जो शुगर है, जो हमारे व्यूवर्स हैं इनको अगर शुगर का कोई प्रॉब्लम है तो इसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है जो कंटेंट है। अब दूसरी जो वो है क्रीमी, तो उसकी तरफ हम चलते हैं, क्योंकि इसके आप देखते हैं हर्शीज़ की बहुत ज़्यादा क्रीम की इन्होंने स्प्रिंकल करा हुआ है, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा ही बेटर होगी। तो इसका जो है ना गाइस, इसका जो ऑलरेडी जो मेकिंग के अंदर जो उसने शुगर थी वो कम रखी थी, लेकिन उसने हर्शीज की जो चॉकलेट ऊपर से टॉपिंग करी थी वो ज़्यादा स्वीट थी, तो उसके उससे जो बड़ा बैलेंस था मुझे टच आ रहा है। सो मुझे तो ये बहुत पसंद आई, और आप भी आएँ ज़रूर टच करें और रिव्यू दें इसका। आप लोग भी हमारे जो ब्लॉगर्स हज़रात हैं वो भी आएँ, नॉर्मल कस्टमर भी आएँ तो देखते हैं। तो मेरा तो ये रिव्यू था, बाकी सब टू यू, आप लोगों को कैसा लगता है।